अपना स्टैंडर्ड 8 का हिंदी का न्यू लेसन पढ़ेंगे, लकड़हारा और वन। लकड़हारा मतलब क्या होता है, जो लकड़ी काटता है उसे क्या कहते हैं, लकड़हारा कहते हैं, और वन मतलब जंगल। और इसके राइटर कौन है, अरविंद भटनागर। तो आइए हम देखते कि इसके ये लेसन में कौन कौन शामिल है। तो फर्स्ट लकड़हारा, लकड़हारा जो लकड़ी काटने वाला रहता है उसे क्या कहते हैं, लकड़हारा। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, मतलब एक प्योर सोल जो हमें सही राह दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रामीण। मतलब रूरल एरिया में ऐसे बहुत, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव थिंकर्स लोग थे जो हमें अच्छी राह दिखाते थे, और जो भी मतलब वो ऐसे भगवान के रूप में हमारा काम करते थे। अगर हम गलत है तो हमें सही बताते थे कि हमें कहाँ सही जाना चाहिए, हम कहाँ गलत है। और थर्ड कौन था, लकड़हारा की पत्नी मतलब उसकी वाइफ। फोर्थ कौन थे, एक हरा भरा पेड़, और जो मेन कौन था उसके अंदर हरा भरा पेड़, जिसके वजह से लकड़हारा क्या करता था, लकड़ी काटने के लिए जाता था। पहला दृश्य मतलब ये एक नाटक की तरह है, तो हमें उसको कैसे एक्चुअल में बताना है वो हम देखेंगे। एक लकड़हारा टलता हुआ मंच पर आता है, लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। मतलब लकड़हारा जो लकड़ी काटने वाला रहता है उसको एकदम मज़े से कहाँ पे आता है, मंच पर, मतलब जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना, तो वो बताते हैं एज अ डायलॉग, मतलब एज अ परफॉर्मेंस की तरह क्रिएट करते हैं पूरा स्टोरी। तो लकड़हारा हाथ में क्या लेकर आता है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मतलब देखो ये, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, एक्स को ही कुल्हाड़ी कहा जाता है। तो लोहे का बना रहता है आयन से, तो मोस्ट ऑफ द किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लकड़ी काटने के लिए यूज़ होता है। तो वो हाथ में पकड़ के कहाँ पे आता है, एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है, मतलब जो जहाँ पे झाड़ रहता है ना वहाँ पे आके क्या हो जाता है, थोड़ी देर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो लकड़हारा क्या बोल रहा है कि चलो मैं, मतलब वो जिस पेड़ के पास जाके खड़ा होता है वो बोलता है कि आज मैं इसी पेड़ को काटूंगा, इसी पेड़ को काटूंगा, और इसी पेड़ से काट के मैं किसका इंतजाम करूंगा, रोटी मतलब खाने पीने का। जो भी लकड़ी रहती है वो क्या करता है, उसको वो लकड़ी को बेच कर अपने घर में लेकर आता है, और वही पैसों से क्या करता है, अपने घर का काम चलाता है। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी पर गिर जाती है। जैसे ही वो स्टार्ट करता है पेड़ काटने के लिए, तो उसके हाथ से क्या होता है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मतलब एक्स, वो क्या हो जाता है, उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, नदी के अंदर गिर जाती है, हाथ से किधर गिर जाती है, नदी के अंदर गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, मतलब बहुत टेंशन में और ऐसी आवाज़ में, मतलब जैसे हम लोग सैड रहते तो हमारे अंदर से आवाज़ और हमारे अंदर की फीलिंग्स सब निकलती है, तो वैसे ही लकड़हारा बहुत टेंशन में था और बहुत दुखी भी था, सैड भी था। तो उसकी आवाज़ कैसी थी, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। मतलब वो कितना सारा क्वेश्चन किससे कर रहा है, भगवान से कर रहा है कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और पानी बहुत डीप है, मतलब बहुत गहरा है, और उसे तैरना भी नहीं आता है। तो वो अगर तैरना नहीं आता तो वो पानी में कैसे जाएगा, और कुल्हाड़ी कैसे लेकर आएगा, और कुल्हाड़ी नहीं लेकर आएगा तो वो पेड़ को कैसे काटेगा, और फिर पेड़ को काटने के बाद जो लकड़ी आएगी वो उसे कैसे बेचेगा, और अपने बच्चे को क्या खिलाएगा। मतलब जब लकड़ी बेचेगा तभी तो अपने बच्चे लोग को खाना खिला पाएगा उस पैसों से। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो मतलब उसी बीच क्या होता है, भगवान, मतलब ऐसे लगता है ना कि कोई सोल आता है, प्योर सोल, मतलब कोई आत्मा आती है जो हम लोग को, हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो कोई हमें आके सही इशारा देते कि हमें सिर्फ महसूस होता है बट हमें दिखता है बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो वही उसी बीच वहाँ पे भगवान आए और उन्हें, मतलब वहाँ पे उन्हें भगवान ने आके वो लकड़हारा को समझाया कि तू क्या कर रहा, क्या गलत चीज कर रहा और क्या गलत नहीं कर रहा है। तो ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तो ग्रामीण ने, मतलब भगवान के रूप में आए थे ना ग्रामीण, तो वो लकड़हारा से पूछते कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, मतलब वो इतना सैड था तो ऐसी फीलिंग्स बता रहा था वो ग्रामीण के सामने कि मैं बहुत दुख हूँ, मुझे किसी की मदद चाहिए, मुझे हेल्प करो। तो क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। तो वो लकड़हारा क्या बोलता है कि क्या बोलूँ मैं अभी तुम्हें, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मेरा जिससे काम चलता है वही मेरा पानी में गिर गया, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे अपना घर चलाऊँ, ये सब वो बता रहा था। किसे, ग्रामीण को बता रहा था।
ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। तो ग्रामीण क्या बोल रहा है कि आप सच बोल रहे हो, अभी आपसे ये हुआ तो कुछ ना कुछ हम सोल्यूशन क्या करेंगे निकालेंगे। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो लकड़हारा ग्रामीण से क्या बोल रहा है कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे, मदद मतलब हेल्प, हेल्प करोगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा। मतलब मैं आपका हमेशा, आपका जो भी आगे सपोज लाइफ में आपकी, आप जो भी हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं हमेशा आपको क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। ग्रामीण, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण क्या बोला, ठीक है आप सैड मत हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। तो ग्रामीण क्या बोला कि मैं रेडी हूँ नदी में कूदने के लिए और मैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो वो क्या हुआ, ऐसे ही बोल के किस नदी के अंदर कूदा, तो उसको क्या मिली, चांदी की कुल्हाड़ी मिली। फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी क्या की, बाहर निकाला। तो बाहर निकाल के, अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो उसने वैसे ही चांदी की कुल्हाड़ी पानी के बाहर निकाली और वो लकड़हारा को बोलता है कि तुम कितने भाग्यवान, मतलब तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी है। लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो लकड़हारा इतना इनोसेंट रहता है, इतना सिंसियर रहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसको झूठ बोलना रहता तो वो ही बोलता ना कि चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है, बट नहीं, उसकी चांदी की कुल्हाड़ी नहीं थी। तो उसने उसने सच बोला कि मेरी चांदी की कुल्हाड़ी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। तो ग्रामीण ने बोला कि ठीक है ये आपकी कुल्हाड़ी नहीं है तो छोड़ो, मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, मैं एक बार फिर से जाके क्या करता हूँ नदी में चेक करके आता हूँ कि और कोई कुल्हाड़ी है कि नहीं। तो वो फिर से नदी के अंदर जाता है और उसे क्या मिलता है, सोने की कुल्हाड़ी मिलती है। तो वो सोने की कुल्हाड़ी निकाल के फिर से किसे पूछता है, लकड़हारा को पूछता है। आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? तो लकड़हारा उससे पूछता है एकदम सरप्राइज, एकदम शौक से, मतलब उसका फेस देखने लायक रहता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है कि क्या आपको कुल्हाड़ी मेरी मिली क्या? तो ग्रामीण क्या बोलता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी है। तो ग्रामीण बोलता है हाँ मुझे कुल्हाड़ी मिल गई है, बट वो कुल्हाड़ी कैसी है, सोने की, मतलब गोल्ड की है। पहले उसे कौन सी कुल्हाड़ी मिली थी, चांदी की मिली थी, चांदी की, सिल्वर की कुल्हाड़ी मिली थी। अभी उसको कौन सी मिली, सोने की कुल्हाड़ी मिली। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं इतना, मतलब मैं इतना पुअर हूँ कि मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी हो ही नहीं सकती। मेरे पास क्या है, नॉर्मल कुल्हाड़ी है, ना चांदी की कुल्हाड़ी हो सकती है ना सोने की कुल्हाड़ी हो सकती है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। तो क्या बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो, अगर मेरी नॉर्मल, मतलब मेरी वुड की कुल्हाड़ी, मतलब लकड़ी की कुल्हाड़ी आपको नहीं मिली तो फिर छोड़ो, आपने मेरे लिए इतना हार्डवर्क किया, इतनी हेल्प की, तो आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण, बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। तो ग्रामीण क्या बोल रहा है कि नहीं इसमें कष्ट, मतलब इसमें कष्ट की क्या बात है, इसमें मेरा मदद था, मतलब मैं किसी इंसान का मदद करूं तो उसमें और अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं भी किसी के काम आ सकता हूं। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। वो क्या बोल रहे कि प्रॉब्लम के समय एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को समझाना संभालना, ये हमारा क्या है, धर्म है, ट्रेडिशंस है। मतलब हमारे धर्म में यही है ना कि एक दूसरे की मदद करो किसी के बुरे वक्त में, तो हमें करना चाहिए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तो ग्रामीण ने क्या बोला कि ठीक है दो बार मेरी कोशिश ना, मतलब दो बार कोशिश मेरी वेस्ट गई, तो अभी मैं थर्ड टाइम क्या करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ, देखते कि आपकी कुल्हाड़ी निकलती है कि नहीं निकलती। फिर से नदी के अंदर कौन गया, ग्रामीण गया। तो उसको थर्ड टाइम क्या मिलती है, लोहे की कुल्हाड़ी, लोहा मतलब जो लोहा रहता है ना उसकी कुल्हाड़ी मिलती है। उसका स्टार्टिंग का लो एक्स रहता है, मतलब लोहे की कुल्हाड़ी रहती है, स्टार्टिंग का एक्स रहता है, फिर भी नीचे लकड़ी से रहता है। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। तो वो क्या बोलता है कि स्टार्टिंग में तो दोनों अलग अलग निकला था, बट थर्ड टाइम मैं गया तो आपकी ही कुल्हाड़ी निकली, और वो भी आपकी है ना, गोल्ड की है ना, सिल्वर की है, नॉर्मल है, जो हर लोग यूज करते। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है।
लकड़हारा क्या करता है कि वो उसको एक्चुअल में अपनी कुल्हाड़ी मिल जाती है तो वो क्या करता है कि बहुत खुश हो जाता है। खुश होता है, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो वो क्या बोलता है कि आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की तो बहुत, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपसे, मतलब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके लाइफ में जो भी सुखी, आपके लाइफ में जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको हमेशा मिले, आप कभी भी सैड ना हो, आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो ग्रामीण बोलता है कि मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर वह क्या, लकड़हारा हाथ जोड़ के पूछता है कि क्या आपको मेरी कौन सी बात समझ में नहीं आई। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो ग्रामीण पूछता है कि मैंने जब आपको सोने की और चांदी की दोनों की कुल्हाड़ी दी तो आपने क्यों नहीं ली, आपको लेना चाहिए था, अगर कोई और रहता तो वो ले लेता। लकड़हारा, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। तो लकड़हारा क्या बोलता है कि दूसरे की चीज हम अपनी कभी भी नहीं बोल सकते, वो किसी और की है तो उसे उधर ही रहनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वह मेरा धन है। तो क्या बोलते कि हार्डवर्क और हॉनेस्ट, मतलब ईमानदारी से और मेहनत से जो भी मिलता है वो मेरा फल है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है, और वो चला जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आता है। भगवान, धन्य है भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर ग्रामीण चला जाता है और कौन आता है, भगवान आता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं आपकी ईमानदारी, मतलब आपके होने से क्या हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि आप इतने ईमानदार हो, और आपको गोल्ड और चांदी की जो कुल्हाड़ी मेरी आपने नहीं ली, जो आपकी चीज थी आपने उसे अपना ही बोला, किसी और की चीज अपनी नहीं बनाई, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी एक शर्त है कि तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे और किसी भी मासूम लकड़ी को नहीं काटोगे। हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हम जितना पेड़ काटेंगे उससे हमारा, हमारी प्लैनेट को क्या होगा, इफेक्ट होगा, बारिश अच्छे से नहीं गिरेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें फ्रूट्स ये सब खाने की चीज़ भी क्या होगी, नहीं मिलेगी। तो वही भगवान उसे किसे समझा रहे थे, लकड़हारा को समझा रहे थे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। मतलब लकड़हारा क्या बोलता है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त क्या है, मंजूर है। शर्त मतलब बीट, हम लोग बेट लगाते हैं ना किसी से भी, तो वो क्या है, शर्त उसे मंजूर था। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मंच पर लकड़हारा सो रहा है, मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। अभी लकड़हारा ने तो शर्त लगा दी थी भगवान से, बट उसकी वाइफ को पता नहीं था कि लकड़हारा ने किससे शर्त लगाई और कौन सी शर्त लगाई। उसकी पत्नी को तो ऐसे ही लगा ना कि उसके हस्बैंड लकड़ी काट के आएंगे, फिर उसे लकड़ी को बेचेंगे, तो जो भी पैसा आएगा उससे क्या करेंगे, घर चलाएंगे। तो लकड़हारा क्या करता रहता, सोया रहता, तो वैसे ही पीछे से, बैक साइड से उसकी वाइफ आती है और उसको आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो। तो वो, मतलब रामू मतलब उसका बेटा रहता, तो रामू के बापू, रामू के डैडी, तुम क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या, आज लकड़ी काटने नहीं जाना। तो वो क्या पूछते, आप सो रहे हो घोड़े बेच करके, आपको आज लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान, अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। तो वो क्या बोलता है, वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट वो अपने मन में क्या सोच रहा है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। तो मतलब वो जहाँ से, वो जिस रास्ते से जा रहा था, वहाँ आस पास कोई भी जंगल नहीं था, जो थे वे कटते जा रहे थे और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। मतलब जो वे में वो जा रहा था, वहाँ पे जितने भी पेड़ थे वो सब क्या हो गए थे, कट गए थे, और उसके बदले क्या क्या बन रहे थे, सब बड़े बड़े सीमेंट के बिल्डिंग्स बन रहे थे। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ के छांव में बैठ जाता है। वो जाते ही जाते उसे क्या होता था, अचानक चोट लग जाती है, मतलब अचानक उसको
हर्ट हो जाता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है और एक पेड़ के छाया में क्या करता है, वो बैठ जाता है। हाँ, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। तो वो क्या बोलता है कि पेड़ के नीचे बैठते हमें कुछ अलग फील होता है, हमें ठंडा ठंडा लगता है और पूरा हम लोग पेड़ के नीचे बैठते तो हमें जरा भी क्या नहीं लगती, धूप नहीं लगती। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। तो फिर वो वहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करके वहाँ से क्या करता है, फिर से उठ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाता है। चलो यही सही है, इससे ही साफ करें। तो वो क्या सोचता है कि ये पेड़ अच्छा है तो हम फिर से इसे को काट देते। कुल्हाड़ी सराहने की मुद्रा में हाथ उठाता है, तो वैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है पेड़ काटने के लिए। तो पेड़, अरे अरे यह क्या कर रहे हो, तो पेड़, वैसे पेड़ बोलता है, पेड़ बोलता नहीं बट पेड़ की भी फीलिंग्स होती है। तो वैसे ही पेड़ आके क्या बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। लक्कड़ आ रहा चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ता है, फिर उसको कौन सी तो आवाज सुनाई थी पर आसपास कोई इंसान नहीं था। तो वो पूछता है कि किसकी आवाज आ रही है और कौन बोल रहा है। पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। तो पेड़ क्या बोलता है कि कोई नहीं है, ये जिससे आप काट रहे हो वही मैं, पेड़ जिस पेड़ को आप काट रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ। लकड़हारा डर कर कौन भूत, तो लकड़हारा क्या करता है, डर जाता है क्योंकि किसी पेड़ को हमने कभी बोलते हुए देखा नहीं है। तो उसने देखा तो वो क्या करता है, डर जाता है और बोलता है कि भूत, चिल्लाने लगता है। पेड़, डरो नहीं भाई मैं तो पेड़ हूँ। पेड़ तो क्या बोलता है कि आप डरो मत, मैं क्या हूँ, एक ट्री हूँ, मतलब झाड़ हूँ, तो आप डरो मत। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो, तो लकड़हारा पूछता है, एकदम सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि क्या आप बोल भी सकते हो क्या, मैंने कभी किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं देखा। पेड़, भाई मुझे भी प्राण है, तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। तो वो क्या पूछता है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मतलब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों सजा दे रहे हो। लकड़हारा, तो क्या करूँ, चार चार बच्चों का पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे चार चार बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना पड़ता है, तो मेरे पास यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं जिससे मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं। पेड़, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो, तुम यही भी भूल गए कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है कि आप भूल गए, मैं ही आपका घर चलाता हूँ, हवा फल फ्रूट बारिश पानी ये सब मैं ही, पेड़ कौन देता, हमें पेड़ ही देता है। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। तो लकड़हारा क्या बोलता है, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें तुमने हमारे पे कौन सा उपकार किया है, जो चीज़ आपको करनी पड़ती है वो तो आप करोगे ना, हमारे पे कोई एहसान नहीं किया। पेड़, मैंने अब कहाँ उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हैं हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो वो क्या बोलता है कि उपकार तो उपकार से मैंने किया है उपकार, अगर मैं हवा नहीं दूंगा तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए और हवा को शुद्ध करने का काम ही मैं करता हूँ। अगर हवा नहीं रहेगी तो कोई भी इंसान जी नहीं सकता, और हमें फ्रेश हवा कौन देता, हमें पेड़ ही हमेशा फ्रेश हवा देता है। ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। तो लकड़हारा क्या बोलता है, ठीक है पर मेरे सामने भी क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारा वन्य पशु कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। तो पेड़ क्या बोल रहा है कि ठीक है आप मुझे काटना चाहते तो काटो, बट मेरे पेड़ के ऊपर जो भी घोंसला लगा रहता है चिड़िया का, या फिर चिड़िया का जो घोंसला लगा रहता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंडे रहते हैं, तो पेड़ काटने से वो क्या हो जाएंगे, घोंसले नेस्ट भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो उनका घर भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि अगर आपको अपना पेड़ बनाना है तो आप दूसरे का घर उजाड़ सकते हो, दूसरे का घर बिगाड़ सकते हो, तो आप करो। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ। तो लकड़हारा पूछता है कि ठीक है मैं ये नहीं करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँ, अपना घर बिगाड़ दूँ। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी, और एक दिन
तो पेड़ बोलता है कि ठीक है, अगर आपको काटना है तो काट लो, अगर आपने काट लिया तो अच्छी बारिश नहीं होगी, अच्छे फ्रूट नहीं आएंगे, आपको अच्छी हवा भी नहीं मिलेगी, तो ये सब नहीं होगा तो बहुत सारी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो लकड़हारा बोलता है कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सही है पर अब बताओ कि मैं क्या करूँ, मेरे प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। तो लकड़हारा बोल, पेड़ क्या बोलता है कि आप ऐसा करो कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, अगर आप पेड़ काटोगे तो आपकी वजह से बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉपर हर चीज़ नहीं मिल सकेगी। मतलब इसमें ऐसा हुआ कि करेगा कोई और सब, और मतलब प्रॉब्लम सबको होगी, एक जन करेगा बट प्रॉब्लम किसको होने वाली है, सबको। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के सम्मान पालो। मतलब वो क्या बोल रही थी, कभी भी हमें मतलब ग्रीनरी का मतलब हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, उन्हें ऐसा पालना चाहिए कि वो हमारे बच्चे ही है, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे, ताकि चारों तरफ क्या हो, ग्रीनरी हो, जिससे हमें फ्रेशनेस फील हो, हम वहाँ पे जाके अच्छी हवा ले सकें, हम अच्छी एक्सरसाइज कर सकें। हम एक्सरसाइज भी वहीं करते हैं जहाँ हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, ग्रीनरी होता है। लकड़हारा हामी भरता है उसी समय पर्दा गिरता है। लकड़हारा क्या, लकड़हारा उसमें क्या मिलाता है, हामी। मतलब जैसे ही पेड़ बोलता है ना हर चीज़ को, वो क्या बोलता है, हाँ 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 बोलता है, उसी समय पर्दा गिरता है। मतलब तभी क्या हो जाता है कि ये कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू।